राजस्थान जयपुर में आज डॉक्टर पलक वर्मा राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस एवं सह प्रभारी राजस्थान ने युवा कांग्रेस के साथियों के साथ चर्चा की, वो मीटिंग पर प्रकाश डाला। आज जो मीटिंग थी वो जो नए लड़के ने मेंबरशिप करवाई उनको भी हम संगठन के अंदर कहीं ना कहीं ले रहे हैं, और जो पुराने जो लोग थे जो लोग काम नहीं करते थे लेकिन उनके पास पद था उन सबको हटाया है। सर आपने सर पहले तो मेंबरशिप के लिए युवाओं को आक्रोश भर दिया। आक्रोश नहीं भरा सर, लोग यूआई के कह रहे हैं कि हमें पहले तो मेंबरशिप के लिए कह दिया और अब मेंबरशिप करने के बाद भी आप चुनाव नहीं करवा रहे हो, इसका क्या कारण रहा? राजस्थान एमपी और छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे युवा कांग्रेस के चुनाव थे वहाँ पर, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट चुनाव है आने वाला विधानसभा चुनाव, इसलिए हम युवा कांग्रेस महिला कांग्रेस एनएसयूएस सभी लोग विधानसभा के चुनाव के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए हमने ये चुनाव पोस्टपोन किया, रद्द नहीं किया। सर उन्होंने जो लाखों रुपए खर्च करे अपने मेंबरशिप करवा के और जो कोई अध्यक्ष बनने की ताक रहा था, कोई माँ से जो बनने की ताक रहे, क्या आने वाले समय में उसका क्या होगा? सर आने वाले समय के अंदर चुनाव 100% होगा, विधानसभा के चुनाव के बाद होगा, और जिन लोगों ने नई मेंबरशिप करवाई थी उनको हम संगठन के अंदर ले रहे हैं ताकि आने वाले दिन के अंदर उनको कैसे काम करना है वो भी मालूम पड़ जाए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरपाल सिंह चुड़ासमा है, राजस्थान के अंदर मैं इंचार्ज प्रभारी हूँ, कोटा उदयपुर मेरे पास। राजस्थान से क्राइम 7 न्यूज सूरत।